हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में होने वाला टाटा आईपीएल 2023 का 37th T20 मैच के बारे में। तो भाई, इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और यहाँ पर अभी जो 6 प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, भाई संजू सैमसन, MS धोनी, जॉस बटलर, डेविन कॉनवे, यशस्वी जायसवाल, अजिंक्य रहाणे, ये जो 6 प्लेयर्स है भाई, ये 6 प्लेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको पता है संजू सैमसन, जॉस बटलर, डेविन कॉनवे, यशस्वी जायसवाल, अजिंक्य रहाणे अच्छे फॉर्म में। MS धोनी तो यहाँ पर बैटिंग ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा भाई, लेकिन यहाँ पर इनकी रोल बहुत अहम है। और यहाँ पर कैच स्टंपिंग पे यहाँ पर हम लोग को पॉइंट्स मिलेगा। तो यहाँ पर आप MS धोनी को जरूर टीम पे रखिएगा, चाहे आप स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, मिनी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, जो भी लीग आप खेलोगे भाई, ये 6 प्लेयर्स को आप जरूर टीम पर रख के टीम बनाएगा। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा भाई यहाँ पर। तो इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हम जानने वाले, आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ भाई। पहला बात है पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है, एवरेज स्कोर कितना बन सकता है, और यहाँ पर पॉइंट्स टेबल पे दोनों टीम कितना पोजीशन पे, और यहाँ पर लास्ट मैच किस टीम से जीते, किस टीम से हारे भाई, ये भी जानकारी आपको दूंगा। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के लिए कितने विकेट कीपर्स खेल रहे हैं, बैट्समैन में यहाँ पर कौन सा प्लेयर अच्छा रन बनाया, और उन इम्पैक्ट प्लेयर पर कौन आ रहे हैं, बेंच प्लेयर पर कौन रहेगा, ऑलराउंडर सेक्शन पर भी भाई यहाँ पर सारे प्लेयर्स के स्टैट्स के साथ साथ इम्पैक्ट प्लेयर कौन रहने वाले हैं ये भी आपको बताऊँगा, और गेंदबाजी डिपार्टमेंट में कितने बॉलर्स तक सही रहेगा, और यहाँ पर इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट प्लेयर पे कौन आ सकता है, ये भी जानकारी आपको देने वाला। इसी प्रकार आपको चेन्नई सुपर किंग्स के लिए विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर्स में किसको पिक करना चाहिए, और इम्पैक्ट प्लेयर पर किसको खिलाएंगे तो अच्छा रहेगा, ये सारा जानकारी आपको मैं यहीं पर देने वाला। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए, आप लेट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करेंगे भाई यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये मैच राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में 7:30 बजे रात को खेला जाएंगे। और वेन्यू की बात की जाए, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर इंडिया में होने वाला है। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए होम ग्राउंड रहने वाला है भाई यहाँ पर। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 150 रन बन सकता है। तो ज्यादा स्कोर इस ग्राउंड पे बनते नजर नहीं आने वाले हैं भाई। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो पिच है बॉलिंग के लिए फेवरेबल है, और राजस्थान रॉयल्स अगर देखा जाए तो 7 में से 4 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं भाई यहाँ पर। और यहाँ पर सेकंड स्पॉट पे तो भाई यहाँ पर बाई मिस्टेक मेरा टाइप रॉन्ग हुआ, 7 में से 4 मैच जीते, 2-3 मैच यहाँ पर हारे हैं भाई सेकंड स्पॉट पे। और चेन्नई सुपर किंग्स 7 में से भाई 5 मैच जीते, 2 मैच हार के यहाँ पर पहला पोजीशन पे। तो पहला पोजीशन वर्सेस सेकंड पोजीशन के बीच में मैच खेला जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स जो लास्ट मैच खेले कोलकाता के खिलाफ 49 रन से जीत के आ रहे हैं। और वही राजस्थान रॉयल्स की बात किया जाए तो लास्ट मैच यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ यहाँ पर 7 रन से हार गया था। तो यहाँ पर एक टीम जीत के आ रहे हैं, एक टीम हार के आ रहे हैं, पहला पोजीशन वर्सेज सेकंड पोजीशन के बीच में ये मैच होने वाले भाई यहां पर। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो फाइनल टीम फर्दर अपडेट्स आपको कहां पर मिलेगा। तो भाई फाइनल टीम फर्दर अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम पे ही दे पाऊंगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी दे चुका हूं। अगर लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पे जाके आप इस प्रकार सर्च कर लेना @shatrughn225, इस प्रकार सर्च करोगे तो आपको मेरे चैनल से हो जाएगा। 2500 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं भाई, आप भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद मैं जिस एप्लीकेशन पे खेलता हूँ उसी एप्लीकेशन पे आपको मैं खेलने के लिए सलाह दूंगा। अगर मैं दूसरा एप्लीकेशन पे खेलता हूँ भाई, यहाँ पर मुझे 575 लग रहा, वही विजन 11 पे बात किया जाए तो 515 रुपया। और यहाँ पर अगर मैं 10,000 की यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 2,999 लगाना पड़ता है, और वही दूसरा एप्लीकेशन पर मुझे 2,625 रुपया लग रहा भाई। देख सकते हो कितना कॉम्पिटिशन कम है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर 3,850 लगाता हूँ तो यहाँ पर मुझे 3,500 लगाना पड़ता, तो यहाँ पर मेरा 350 रुपया सेव हो रहा है भाई यहाँ पर। अगर मैं 5,750 की कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइन करता हूँ हेड टू हेड पे तो यहाँ पर मुझे 5,199 लगता है भाई। तो यहाँ पर मेरे लगभग 500 रुपया लगभग सेव हो रहा है भाई यहाँ पर, क्योंकि 5,750 मतलब 550 रुपया मेरा यहाँ पर अमाउंट सेव हो रहा है, और यहाँ पर एक अच्छा अमाउंट जीतने की चांसेस हम लोग की है। तो भाई यहाँ पर इस एप्लीकेशन ट्रस्टेड एप्लीकेशन है विजन 11, तो यहाँ पर मैं काफ़ी बार विड्रॉ कर चुका हूँ, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और ड्रीम 11 इन्वेस्टमेंट प्लान क्या रहने वाले वो भी आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। तो ये सारा जानकारी जानने के लिए भाई आप विजन 11 को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहां पर कंपटीशन कम रहेगा और एक अच्छा अमाउंट आप यहां पर आके जीत सकते हो। अब जानेंगे भाई यहां पर हम इसे कल की जो मैच है भाई चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स के बीच में। तो यहाँ पर इसके लिए आपको 1,00,000 की फ्री एंट्री है भाई, काफ़ी अच्छा चीज़ है। यहाँ पर 1,00,000 को बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ पर आपको देख सकते हो भाई डे बाय डे मेरे वॉलेट इंक्रीज हो रहा है, तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ आप इस यहाँ पर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मेरे जेन्युइन मनी दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं हमेशा स्क्रीनशॉट देते रहता हूँ टेलीग्राम पर, तो डे बाय डे मैं अपने वॉलेट को किस प्रकार इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा भाई मेरा आईडी मैसेज करने के लिए, आप उस पर जाकर
जाके मैसेज कीजिए, आपको ड्रीम इलेवन इन्वेस्टमेंट प्लान बताऊंगा भाई, उसका वीडियो मैं बना रहा हूँ, बहुत जल्द बनाऊंगा, लेकिन अगर आपको पहले ही सब कुछ चाहिए तो पहले भी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूंगा भाई यहाँ पर, इससे आपको काफी मदद मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर सब कुछ जानकारी जानने के बाद भाई अब हम जानेंगे यहाँ पर विकेट कीपर में किसको लेना चाहिए ये सारा जानकारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पर तीन प्लेयर्स है, तो यहाँ पर जॉस बटलर संजू सैमसन यहाँ पर दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। जॉस बटलर लास्ट मैच में जीरो पे आउट हो चुके हैं, संजू सैमसन 22 रन बनाए, कुणाल सिंह राठौर को यहाँ पर कोई भी हाल में मौका मिलना काफी मुश्किल है क्योंकि दो बड़े प्लेयर जॉस बटलर संजू सैमसन यहाँ पर इस टीम के लिए खेल रहे हैं। तो इन दोनों विकेट कीपर को आप यहाँ पर कंफर्म कीजिएगा, दोनों प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में और मेन प्लेयर है भाई राजस्थान रॉयल्स के लिए। उसके बाद यहाँ पर बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपको चार प्लेयर्स है भाई, तो यहाँ पर आप जोई रूट को कैंसिल कीजिएगा। उसके बाद तीन प्लेयर है सिमरन हेटमा, जसेश जायसवाल, देवदत्त पदिकल। तो देवदत्त पदिकल अगर देखा जाए तो लास्ट मैच में अद्भुत पारी के लिए 52 रन की, यशस्वी जायसवाल 47 रन 44 रन बनाए, सिमरन हेटमा 2 रन 3 रन है। तो सिमरन हेटमेयर आपको लोअर मिडिल ऑर्डर पे काम आएंगे भाई, तो ये भी ये जो प्लेयर है भाई आपको किसी भी हाल में यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना है, और ये प्लेयर आपको ग्रैंड लीग के लिए सही रहेगा लेकिन आप यहाँ पर स्मॉल लीग के लिए अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पदिकल और सिमरन हेटमेयर को आप टीम में लीजिएगा, लेकिन सिमरन हेटमेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना। उसके बाद आता है भाई यहाँ पर बैटिंग पे दो और प्लेयर्स है, ध्रुव जोरेल, अब्दुल बसीत है भाई, ये दोनों प्लेयर आपको इंपैक्ट प्लेयर पे कवर होंगे, लेकिन ज़्यादा चांस है यहाँ पर ध्रुव जोरेल इंपैक्ट प्लेयर पे कवर होगा भाई, ये प्लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इनको आप पिक कर सकते हो, लेकिन ये प्लेयर आपको इंपैक्ट पे कवर होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑलराउंडर्स डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं रविचंद्रन अश्विन, जैसन होल्डर, रियान पराग, अब्दुल वशिष्ठ है भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको रविचंद्रन अश्विन लास्ट मैच में 12 रन 1 विकेट, हर मैच में विकेट ले रहे हैं भाई, इस लास्ट पांच मैच में देखा जाए तो कुल मिला के पूरे इनको यहाँ पर 7 विकेट मिला। तो रविचंद्रन अश्विन को मैं कंफर्म करूंगा, जसन होल्डर को कोई विकेट नहीं मिला, लास्ट पांच मैच में 3 विकेट है। रियान पराग यहाँ पर पूरी तरह फ्लॉपर है, आप इनको अवॉइड कीजिएगा। और यहाँ पर वशिष्ठ यहाँ पर लास्ट मैच में प्लेइंग 11 में थे लेकिन इनको मौका नहीं मिला। तो यहाँ पर आप कितने ऑलराउंडर्स तक कंफर्म कर सकते हो, तो राजस्थान रॉयल्स के लिए यहाँ पर दो ऑलराउंडर्स आपको सही रहने वाले हैं, रविचंद्रन अश्विन, जसन होल्डर। आप चाहे तो जसन होल्डर को भी ड्रॉप करके आप रविचंद्रन अश्विन के साथ जा सकते हो एक ही ऑलराउंडर के साथ। उसके बाद भाई यहाँ पर एक और ऑलराउंडर है डेनोवन फेरारिया, अभी तक तो नहीं खेले हैं भाई लेकिन इनकी स्टार्ट्स आपको मैं दे देता हूँ, अगर ये बाई मिस्टेक खेलते हैं तो इनकी स्टार्ट्स आपको हेल्प हो जाएगा, लेकिन खेलने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इनका स्टार्ट्स आपको मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑलराउंडर्स भी आपको जानने के बाद भाई यहाँ पर अब गेंदबाजी में कौन हो सकता है, तो युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, एडम जंपा और नवदीप सैनी है। तो भाई एडम जंपा इंपैक्ट प्लेयर पर चलो कवर हो सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है, नवदीप सैनी किसी भी हाल में नहीं आने वाले हैं भाई। युजवेंद्र चहल यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लास्ट पांच मैच में इनके नाम पर पूरे 7 विकेट है। ट्रेंट बोल्ट यहां पर लास्ट पांच मैच में देखा जाए तो इनके नाम पे भाई इनकी भी नाम पे 7 विकेट है, तो ये दोनों प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को कंफर्म करके बाकी दो को आप यहां पर अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप बाय मिस्टर स्टैट्स देखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, एडम जंपा आ सकते हैं लेकिन नवदीप सैनी को मौका मिलना काफी मुश्किल लग रहा है भाई यहां पर मुझे। उसके बाद यहां पर आते हैं भाई बॉलिंग पे, और चार बॉलर्स है, ओबेट मैकॉय, संदीप शर्मा, मुर्गन अश्विन, कुलदीप सेन। तो यहां पर आपको इन चारों से मैं भाई यहां पर आपको एक ही प्लेयर खेलते नजर आएंगे, संदीप शर्मा, लास्ट मैच में 2 विकेट है, अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनको लास्ट पांच मैच में 7 विकेट है। ओबेट मैकॉय यहां पर आपको कोई भी हाल में खेलने की चांसेस नहीं है भाई यहां पर, मुर्गन अश्विन को भी मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद कुलदीप सेन एक मैच खेले थे 2 विकेट लिए, लेकिन चलो इनको इंपैक्ट प्लेयर पर मौका मिल सकता है लेकिन वो भी मुश्किल है, लेकिन यहां पर संदीप शर्मा को आप यहां पर कंफर्म कीजिएगा, बाकी को आप अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद आते हैं भाई यहाँ पर गेंदबाजी पे, केसी करियप्पा, के आसिफ भी स्टार्टिंग में खेले थे, कुलदीप यादव। तो इन तीनों में से मुझे कोई भी प्लेयर यहाँ पर खेलते नजर नहीं आएंगे लेकिन इनकी स्टैट्स आप देख सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, आपकी डाउट क्लैरिफाई हो जाएगा। अगर इसमें कोई भी प्लेयर आपको प्लेइंग 11 पे नजर आते हैं तो इनका स्टैट्स में आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। उसके बाद आते हैं भाई यहाँ पर अब चेन्नई सुपर किंग्स से, तो चेन्नई सुपर किंग के लिए 2 विकेट कीपर है, तो थोड़ा प्रैक्टिकली बात करूंगा भाई, डेविन कॉनवे हर मैच में अच्छा खेल रहा है तो इनको यहाँ पर लास्ट 3 मैच में 3 अर्धशतक तक है तो इनको मैं कंफर्म करता हूँ। एमएस धोनी आपको बैटिंग करते नजर नहीं आएंगे भाई, तो प्रैक्टिकली सोचते हो तो यहाँ पर आप अवॉइड कर सकते हो, अगर इमोशनली सोचोगे तो भाई धोनी को लेने के लिए मन करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली बात करता हूँ एमएस धोनी को आप अवॉइड करके, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग तो ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, एक दो बॉल के लिए आप इनको पिक नहीं कर सकते। चलो अगर आपको एमएस धोनी को पिक करना भाई तो यहाँ पर आपको विकेट कीपिंग, कैच, स्टंपिंग पे मिल सकता है, वो पॉइंट्स आप ले लीजिएगा, लेकिन डेविन कॉनवे यहां पर रन्स बना के वो पॉइंट्स आपको दे देंगे भाई, तो डेविन कॉनवे को पिक करके एमएस धोनी को आप अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में भाई ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, अंबटी रायडू, शिवम दुबे। तो ऋतुराज गायकवाड़ यहां पर स्टार्टिंग में कुछ अच्छे चले भाई, लास्ट मैच में भी 35 रन की अच्छी पारी खेले लेकिन बड़ा स्कोर नहीं बना पा रहे, तो यहां पर दो मैच में 35 बनाए। अजिंक्य रहाणे भाई यहां पर जिस प्रकार कमबैक किए इंडिया टीम से जगह खोने के बाद, इतना अच्छा कमबैक कर रहा है मेरे हिसाब से कोई भी प्लेयर नहीं कर सकता, तो ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे को आप जरूर टीम पर रखेगा। अंबट रायडू के भी रोल यहाँ पर आपको लोअर मिडिल ऑर्डर में नजर आएंगे, आप चाहे तो इंपैक्ट प्लेयर भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको शिवम दुबे एक अच्छा पिक है भाई,
काफी अच्छा खेल रहे हैं। शिवम दुबे को जिस हाल हाल में मैं देखना चाहता हूं भाई, उसी हाल में खेल रहे हैं, क्योंकि शिवम दुबे एक बड़े छक्के लगाने के एबिलिटी प्लेयर है भाई। आरसीबी के लिए राजस्थान रॉयल्स के फ्लॉप होने के बाद एमएस धोनी ने उसको पूरी तरह यूज किया भाई, क्योंकि एमएस धोनी किसी भी प्लेयर को कन्वर्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अजिंक्य रहाणे प्रूव कर रहे हैं, और शिवम दुबे भी सीजन काफी अच्छा खेल रहा है। तो यहाँ पर आपको ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, इन तीनों को आप यहाँ पर जरूर पिक कीजिएगा। लेकिन एक बात है भाई, ये जो पिच है बॉलिंग पिच है, तो यहाँ पर सोच समझ के आप यहाँ पर पिक करते समय थोड़ा एक बार सोच लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर और दो प्लेयर्स है भाई, यहाँ पर शुभ्रांशु सेनापति और यहाँ पर शेख रशीद है भाई। तो शुभ्रांशु सेनापति की स्टार्स आप देख सकते हो, हर मैच में अच्छा स्कोर बना है। शेख रशीद भाई, यहाँ पर अगर आपको ये प्लेयर पता नहीं है, अंडर 19 जो टीम जीते थे भाई वर्ल्ड कप, उसमें यहाँ पर वाइस कैप्टन रहे थे और यहाँ पर फाइनल मैच में शतक भी लगाया है भाई। शेख रशीद एक अच्छा पिक है आंध्रा टीम के लिए, रणजी टीम के लिए खेलते हैं भाई, इनमें टैलेंट है, लेकिन अभी मौका मिलना काफ़ी मुश्किल है भाई। लेकिन अगर ये मौका मिलता तो इनकी स्टार्स आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, नहीं तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। उसके बाद आते हैं भाई ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में, तो ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में काफी प्लेयर थे, लेकिन यहाँ पर आपको दो प्लेयर्स को अवॉइड कर लीजिएगा, बेन स्टोक्स और यहाँ पर ड्वेन प्रेटोरिया। बेन स्टोक्स यहाँ पर जरूर एक अच्छा कमबैक करने वाले हैं भाई, यहाँ पर आप जरूर लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि भाई इनमें जो टैलेंट है आप सभी को पता है भाई किस टाइप की प्लेयर है। ड्वेन प्रेटोरिया तो इम्पैक्ट प्लेयर पर कवर हो सकता है। रविंद्र जडेजा का अभी तक बल्ला नहीं चला भाई, इनका एक बड़ा स्कोर के लिए हम लोग को वेटिंग करना पड़ रहा है। और मोइन अली है भाई, लास्ट मैच में एक विकेट है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लास्ट पांच मैच में इनके नाम पे 7 विकेट है। बेन स्टोक, ड्वेन प्रेटोरिया अगर खेलते हैं तो इनका स्टैट्स में टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर और तीन ऑलराउंडर है, मिचेल सैंटनर मंडल और यहाँ पर निशांत सिंधु है। तो यहाँ पर आपको मिचेल सैंटनर खेलते नजर आ सकते हैं भाई, लेकिन बाकी जो मंडल सिंधु है इन दोनों को मौका मिलना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इन दोनों की स्टार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पर 5 विकेट 6 विकेट इस प्रकार लिए हैं भाई दोनों बॉलर। तो यहाँ पर इनको मौका मिलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर नए प्लेयर्स भी खेल रहे हैं। उसके बाद महेश दीक्षाना, दीपक चाहर, तुषार देशपांडे। तो दीपक चाहर यहाँ पर फिट नहीं लग रहा भाई, इसलिए इनको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर ये खेलेंगे तो इनको जरूर टीम पर रखूंगा। लास्ट 5 मैच देखा जाए तो इनके नाम पे 5 विकेट है। दीपक चाहर लास्ट 5 मैच में भाई यहां पर आपको खेलते नजर नहीं आ रहा भाई। यहां पर तुषार देशपांडे अगर देखा जाए तो लास्ट मैच में 2 विकेट लिए हैं, लेकिन लास्ट 5 मैच में 8 विकेट है। तो तुषार देशपांडे, महेश दीक्षाना, इन दोनों को आप ले सकते हो। उसके बाद आकाश सिंह, मतीसा पतिराना और यहां पर सिमी सिंह है भाई। तो यहां पर आकाश सिंह यहां पर एक अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, दीपक चाहर की जगह अच्छा भरपूर कर रहे हैं। मतीसा पतिराना की जो बॉलिंग है भाई काफी स्पीड है यहां पर, और सिंह यहां पर मौका तो मुश्किल है, लेकिन यहां पर आकाश सिंह और पतिराना को आप यहां पर कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद और तीन बॉलर्स है भाई यहां पर, राजवर्धन हंगरगेकर, पार्थ सोलंकी और भगत वर्मा। तो यहां पर राजवर्धन हंगरगेकर स्टार्टिंग मैच में खेले थे, 3-3 विकेट लिए थे भाई, उसके बाद इनको मौका नहीं मिल रहा, लेकिन इनको मौका मिल सकता है उसके बाद, क्योंकि ये प्लेयर इंजर्ड है। सोलंकी, बी वर्मा है भाई, इनमें से कोई भी प्लेयर अगर खेलेंगे तो इनका स्टार्ट आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो यहां पर सारे प्लेयर्स की स्टार्ट हमने देख लिया भाई। अब यहां पर स्मॉल लीग टीम और ग्रैंड लीग टीम एक बार आप देख लीजिएगा। यहां पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं 2 विकेट कीपर है जॉर्ज बटलर, डेविन कॉनवे। उसके बाद 3 बल्लेबाज है भाई, अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, 2 ऑलराउंडर है यहां पर, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, और 4 गेंदबाज युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, और यहां पर तुषार देशपांडे, और यहां पर आपको इंपैक्ट प्लेयर पे मोइन अली, और यहां पर आपको संजू सैमसन, महेश दीक्षाना, शिवम दुबे, और कैप्टन वाइस कैप्टन पे, वाइस कैप्टन पे जॉस बटलर, कैप्टन पे यहां पर मैं रविंद्र जडेजा के साथ जा रहा हूं, क्योंकि भाई ये जो पिच है बॉलिंग के लिए फेवरेबल है। उसके बाद मेरा ग्रैंड लीग टीम पे जॉस बटलर, संजू सैमसन, डेविन कॉनवे, इन दोनों विकेट कीपर जॉस बटलर, डेविन कॉनवे के यहां पर मैं कैप्टन वाइस कैप्टन बना, डेविन कॉनवे मेरे कैप्टन है, वाइस कैप्टन पे जॉस बटलर है। 3 बल्लेबाज है, अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, 2 ऑलराउंडर है, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, और गेंदबाजी में भाई ट्रेंट बोल्ट, महेश दीक्षाना, मतीसा पतिराना, और यहां पर इंपैक्ट प्लेयर पे युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन, सिमरान हेटमैन, देवदत्त पदिकल। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे जॉस बटलर और डेविन कॉनवे, आप चाहे तो रिवर्स कर सकते हो भाई कैप्टन वाइस कैप्टन पे। तो ये जो दोनों टीम है, पहले इन दोनों टीम को आप सेव करके रख लेना भाई, जो फाइनल टीम होगा आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कॉमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका हूं। तो भाई मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त करता हूं, नेक्स्ट जो मैच उसको भी कवर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू, जय हिंद।